दोस्तों नए संसद भवन से जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन सभी को डिटेल से कवर करेंगे और जो भी डेट आएगी या जो इंपोर्टेंट पॉइंट होंगे उन्हें हम ट्रिक से भी याद करेंगे ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में चलिए शुरू करते हैं फटाफट पहला क्वेश्चन नई संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई भाई ये चार पांच ऐसे पॉइंट है जहां से डेट पूछ सकते हैं ऑप्शन बी दस दिसंबर 2020 को देखिए नई संसद भवन की आधारशिला रखी गई दस दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई संसद भवन की आधारशिला दस दिसंबर 2020 को रखी गई ये डेट में आगे आपको ट्रिक से याद करा दूंगा भाई नेक्स्ट नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया ऑप्शन डी 28 मई 2023 को देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नई संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया इसे भी हम ट्रिक से याद करेंगे नेक्स्ट नई संसद भवन में सेंगोल यानी कि राजदंड को कब स्थापित किया गया ऑप्शन डी 28 मई 2023 को जब इसका उद्घाटन किया गया ना भाई तभी तो स्थापित किया गया था ट्रिक से यह सारी डेट मैं आपको याद कराऊंगा देखिए सेंगोल स्वर्ण पद वाला एक राजदंड होता है सेंगोल को अच्छे शासन का प्रतीक माना जाता है सेंगोल को लोकसभा सदन में लोकसभा अध्यक्ष की सीट के समीप स्थापित किया गया है सेंगोल राजदंड चोल राजवंश से संबंधित है चोल वंश के संस्थापक विजाले चोल थे चोल वंश के अंतिम शासक राजेंद्र तित्य चोल वंश के सबसे शक्तिशाली शासक रहे हैं राजराज प्रथम नेक्स्ट नई संसद भवन में सदन की पहली बैठक कब हुई ऑप्शन ए 19 सितंबर 2023 को देखिए नए संसद भवन में जो पहली बैठक हुई है वो 19 सितंबर 2023 को हुई है भाई इंपोर्टेंट डेट है सबसे पहले संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई पूछ सकते हैं परीक्षा में दस दिसंबर दो को अब दिसंबर को हम रिलेट करेंगे दिशा से दिसंबर दिशा से दस यानी कि दस दिशा से और 2020 में हुआ था ना दस बीस दिशा से आवाज आने लगी कि अब आप अपना नया संसद भवन बना लो उसमें सीटें कम पड़ेगी ये आवाजें आने लगी कहां से दस बीस दिशाओं से एक दिशा से नहीं दो दिशा से नहीं दस बीस दिशाओं से आने लगी कि भाई नया संसद भवन बना लो दस दिसंबर दो हजार बीस फिर क्या था नए संसद भवन की आधारशिला रख दी गई संसद भवन बनकर तैयार हो गया फिर उसका उद्घाटन किया गया अट्ठाईस मई दो हजार तेईस को अब उद्घाटन हो रहा है अच्छा कार्य हो रहा है तो अट्ठाईस मई माताओं को जिमाया गया भोजन करवाया गया भाई संसद भवन के उद्घाटन में किसी को नहीं बुलाया सिर्फ और सिर्फ 28 माओ को 28 मई को 28 माताओं को भोज करवाया गया कब जब संसद भवन का उद्घाटन हुआ 28 माताओं को भोज करवाया गया 28 मई 2023 और राजदंड भी रखा गया 28 मई 2023 को उद्घाटन के समय ही संसद भवन की पहली बैठक 19 सितंबर 2023 को तो भाई ये बिल्कुल है डेट संसद भवन की आधारशिला 10 सितंबर 2020 को रखी गई संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को संसद भवन में संगोल रखा गया उद्घाटन के समय ही यानी कि 28 मई 2023 को संसद भवन की पहली बैठक हुई 19 सितंबर 2023 को 19 साल की 19 महिलाओं पर सितम हो रहा था उनसे उनकी रक्षा की गई और पहला बिल पास किया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम नेक्स्ट नई संसद भवन के वास्तुकार कौन है ऑप्शन ए विमल पटेल विमल पान मसाला ऐड कर रहे हैं ना काफी बड़े बड़े स्टार तारे स्टारे बैठा तो भाई ये विमल का ना आप नए संसद भवन में खा के मत आ जाना वो ऐसे उसको बनाया गया है अगर आप विमल खा के आ गए ना नए संसद भवन में तो आप पटेल पलट जाओगे उलट पुलट हो जाओगे आपको पलट दिया जाएगा उठाकर फेंक दिया जाएगा तो नए संसद भवन में विमल पान मसाला बैन है देखिए नई संसद भवन के वास्तुकार है जाने-माने पद्मश्री विजेता विमल पटेल नई संसद भवन का डिजाइन एचसीपी डिजाइंस ने तैयार किया है जो कि गुजरात बेस्ट कंपनी है नई संसद भवन में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई ऑप्शन बी 888 888 नया संसद भवन बन गया तो भाई लोकसभा की सीटें 888 है लोगों की सभा लोगों को तो आठ हो गए बाट हो गए ठाठ हो गए क्यों सीटें बढ़ गई है भाई अब और ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे तो लोकसभा यानी कि लोगों की सभा के तो आठ बाट ठाठ हो गए ट्रिपल एट कहाँ पर नई संसद भवन में नेक्स्ट नई संसद भवन में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है पीछे हमने लोकसभा की बात की थी कितनी ट्रिपल एट आठ लोगों के आठ बाट ठाठ हो गए और यहां राज्यसभा राजाओं की सभा ऑप्शन सी तीन अब नए संसद भवन में राजाओं की सभा हुई और उन्होंने कहा कि हम मात्र तीन दिन में चौरासी के दंगों का फुल एंड फाइनल कर देंगे तीन सौ चौरासी है ना मात्र तीन दिन में चौरासी के दंगों का फुल एंड फाइनल कर देंगे और ये कौन कर सकता है जो राजा होते हैं राजाओं की सभा होती है जो राज्यसभा होती है वही तो भाई राज्यसभा की सीटों की संख्या तीन सौ चौरासी हम मात्र तीन दिन में चौरासी के दंगों का फुल एंड फाइनल कर देंगे ये राजा कह रहे हैं राज्यसभा कह रही है नेक्स्ट नई संसद भवन में लोकसभा को किस थीम से सजाया गया है ऑप्शन बी मोर थीम से सजाया गया है देखिए भाई संसद भवन में जो लोकसभा कक्ष है उसे मोर के पंख की तरह सजाया गया मोर थीम की तरह सजाया गया है जो कि इमेज में आप देख रहे हैं देखिए नई संसद भवन में लोकसभा कक्ष की दीवारों और छतों को राष्ट्रीय पक्षी मोर के पंख के सम्मान नक्काशी की गई है नेक्स्ट नई संसद भवन में राज्यसभा को किस थीम से सजाया गया है लोकसभा को तो मोर थीम से सजाया गया है भाई और राज्यसभा को ऑप्शन बी कमल थीम से जो कमल का फूल होता है ना उस थीम से सजाया गया है क्यों क्योंकि ये राज्यसभा है राजाओं महाराजाओं की सभा है राजाओं का फेवरेट है कमल कमल से ही सजाएंगे फिर तो भाई इमेज में आप देख रहे हैं ये कमल थीम है भाई देखिए नई संसद भवन में राज्यसभा कक्ष को कमल के फूलों पर आधारित थीम से सजाया गया है नई संसद भवन का निर्माण कार्य किस कंपनी के द्वारा किया गया अगर आपने चुन लिया ऑप्शन बी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड तो बिल्कुल सही जवाब चुना है अब नए संसद भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया तो कंपनी वहां रुकेगी थोड़ी ना वो तो भाई टाटा बाय बाय करके निकल जाएगी कोई भी निर्माण कार्य किसी कंपनी ने ले लिया तो कार्य जैसे ही पूरा हुआ कंपनी टाटा बाय बाय टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने नए संसद भवन का निर्माण का कार्य किया अब देखिए नई संसद भवन का निर्माण कार्य टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड के द्वारा किया गया है नई संसद भवन निर्माण कार्य में 971 करोड़ रुपए की लागत आई है भाई कितना 971 करोड़ रुपए के लगभग लागत आई है नई संसद भवन का क्षेत्रफल चौसठ हजार पांच या कह सकते हैं लगभग के करीब ये बैठता है नई संसद भवन का आकार त्रिकोणीय है जबकि जो हमारी पुरानी संसद भवन थी वो गोलाकार थी और देखिए नई संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया है नई संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन लोकसभा हॉल में होगा जो संयुक्त सत्र बुलाया जाता है भाई उसका आयोजन लोकसभा हाल में होगा क्यों क्योंकि सीटों की संख्या वहां ज्यादा है ऑप्शन सी तीन द्वार है भाई देखिए नई संसद भवन के तीन द्वार हैं कौन कौन से हैं एक को नाम दिया गया है ज्ञान द्वार एक को शक्ति द्वार एक को कर्म द्वार इंपोर्टेंट है नई संसद भवन के तीन द्वार है तीनों को नाम दिया गया है ज्ञान द्वार शक्ति द्वार कर्म द्वार नेक्स्ट नई संसद भवन में कौन सा बिल सबसे पहले पारित हुआ ऑप्शन ए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है तो देखिए इसमें महिलाओं को राज्य विधानसभा और लोकसभा में तेतीस प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा नेक्स्ट नई संसद भवन की छत पर स्थापित अशोक स्तंभ के वास्तुकार कौन है ऑप्शन डी बी और सी कौन कौन लक्ष्मण व्यास और सुनील देवड़े इन दोनों ने अशोक स्तंभ को डिजाइन किया है और ये तो अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है नए संसद भवन की छत पर नए संसद भवन की छत पर स्थापित अशोक स्तंभ का वजन पिचानवे सौ किलोग्राम है अशोक स्तंभ को काश्य धातु से बनाया गया है अशोक स्तंभ की ऊंचाई 20 फीट है नए संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11 जुलाई 2022 को किया गया था यह इमेज में आप देख लीजिए यह अशोक स्तंभ है और इसे स्थापित किया गया है नए संसद भवन की छत पर नेक्स्ट पुराना संसद भवन इसे देख लीजिए भाई यहां से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं शिलान्यास हुआ 12 फरवरी 1921 को निर्माण कार्य 1921 से 1927 यानी कि 6 साल में ये बनकर तैयार हुआ उद्घाटन 18 जनवरी 1927 को किया गया किसके द्वारा लॉर्ड डरविन के द्वारा पुराने संसद भवन की उस समय निर्माण लागत थी तिरासी लाख रुपए पुरानी संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर ने पुरानी संसद भवन में लोकसभा की पाँच सीटें थी और राज्यसभा की 250 सीटें थी नए संसद भवन में लोकसभा की 888 सीटें हैं और राज्यसभा की तीन सीटें हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए होगा चैलेंज नई संसद भवन के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कितने रुपए के सिक्के का अनावरण किया गया बिल्कुल इजी क्वेश्चन सही जवाब कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत